हे गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहुल चौधरी के बारे में। सो मैन राहुल चौधरी के बारे में बात करने वाले कि राहुल चौधरी अगर प्रो कबड्डी सीजन 9 के ऑक्शन में जाते हैं, जो कि ऑब्वियस है वो ऑक्शन में जाएंगे, तो क्या कोई ऐसी टीम है जो राहुल चौधरी को टारगेट कर सकती है। और चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले राहुल चौधरी के बारे में बात करते हैं, तो राहुल चौधरी वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट रेडर्स ऑफ प्रो कबड्डी माने जाते हैं। तो राहुल चौधरी के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सीजन 1 से खेल रहे हैं, और लास्ट सीजन हमने देखा था पुनेरी पल्टन के टीम में थे, उसके पहले तामिल थलेवास के लिए खेल चुके हैं, और सीजन 1 से सीजन 6 तक हमें पता है राहुल चौधरी किस टीम के लिए खेल रहे हैं, तेलुगु टाइटन्स के लिए, जहाँ पर राहुल चौधरी ने बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है तेलुगु के लिए, इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट थे। लेकिन राहुल चौधरी का हम सबको मालूम है डाउनफॉल शुरू हो गया, जैसे वो सीजन 7 में तामिल थलेवास की टीम में आ गए, वहाँ पर तेलुगु ने उन्हें रिटेन नहीं किया सीजन 7 के लिए, और वहाँ से राहुल चौधरी का थोड़ा डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो राहुल चौधरी के बारे में बात करें, तो अगर राहुल चौधरी यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 9 ऑक्शन में जाते हैं, तो क्या कोई टीम ऐसी है जो राहुल चौधरी को टारगेट कर सकती है। तो उससे पहले जवाब देने से पहले एक वीडियो मैंने बनाया था अनसोल्ड प्लेयर्स के ऊपर, कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर है जो अनसोल्ड जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म, क्योंकि वो प्रो कबड्डी सीजन 8 सीजन 7 में अच्छा नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पर उस लिस्ट में टॉप 15 प्लेयर्स के मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पर राहुल चौधरी का भी नाम था जो अनसोल्ड जा सकते हैं। अब मैंने क्यों ऐसा वीडियो बनाया, तो आप सबको रीजन मैं बताता हूँ। देखो, राहुल चौधरी सीजन 8 में पुनेरी पल्टन के टीम में थे, और वहाँ पर बस 7 मैचेस खेले, और कितना रेट पॉइंट था, 13 रेड पॉइंट, मतलब 7 मैचेस में बस 13 रेड पॉइंट, वो भी इतने बड़े प्रो कबड्डी का प्लेयर का। तो ये एक मतलब इम्पॉसिबल सा है कि राहुल चौधरी, जिन्होंने इतना अच्छा खेला है प्रो कबड्डी में, कैसे ऐसा हो सकता है कि राहुल चौधरी अच्छा ना करे। तो देखो, सीजन 7 में तामिल थलेवास की टीम में थे, वहाँ थोड़ा अच्छा खेले, मतलब उतना भी अच्छा नहीं खेले, उतना मतलब फॉर्म तो बहुत डीप हुआ ही था, ऐसा नहीं कि 50 रेड पॉइंट 7 रेड पॉइंट, तो वहाँ पर कुछ अच्छा खासा, मतलब आई थिंक अराउंड 130 या 132 रेड पॉइंट लाए थे, कुछ एवरेज खेले। लेकिन सीजन 8 में इतना ख़राब हमने देखा नहीं कि राहुल ऐसा खेल सकते हैं। तो यू नो, राहुल के सारे फ़ैन हैं, ठीक है, जो प्रो कबड्डी को पसंद करते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम फैंस प्रदीप नरवाल हुए, नवीन हुए, पवन सरावत, अजय ठाकुर, मंजीत चिल्लर, राहुल चौधरी, ये सारे प्लेयर्स के मैक्सिमम फैंस हैं। और राहुल चौधरी का थोड़ा जो मुझे लगता है कि 2-3 साल से, सीजन 6 से यहाँ पर राहुल चौधरी का थोड़ा फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा, और टीम्स का थोड़ा फेथ इन पर कम हो गया। लाइक लास्ट सीजन हमें पता है पुनेरी पल्टन ने इन्हें साइन किया था 40 लाख में, 20 लाख का बेस, 30 लाख का बेस प्राइस था, 40 लाख्स में पुनेरी पल्टन ने खरीदा, पहले तेलुगु ने बिड किया, फिर वापस पुनेरी पल्टन ने इनको खरीद लिया, और तामिल ने कोई एबीएम भी यूज़ नहीं किया, जो कि बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि राहुल अच्छे फॉर्म में नहीं थे सीजन 7 में। लेकिन सीजन 8 में वहाँ पे अनुप कुमार कोच थे, हम सबको मालूम है, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ कबड्डी, और वहाँ पे राहुल चौधरी को 7 मैचेस पहले स्टार्टिंग 7 मैचेस में मौका मिला, जहाँ पे राहुल कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मुझे याद है बहुत सारे मैचेस में तो अनुप कुमार ने उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया था, और फिर 7 मैचेस के बाद राहुल चौधरी को एक मैच में भी खेलने का मौका नहीं मिला स्टार्टिंग 7 में। दो कुछ कुछ मैचेस में, मतलब जितने मैचेस बचे ना, उसमें 2-3 मैचेस में सब्स्टिट्यूशंस में आते थे लास्ट में, जब टीम ऑल आउट के सिचुएशन में था, लेकिन राहुल चौधरी को स्टार्टिंग 7 में जगह बनाने में मुश्किल हो रहा था। जो प्लेयर, जो कि पहले प्रो कबड्डी का लेजेंड माना जाता था, सो मैन, रेड मशीन, कितने नाम से हम यहाँ पर राहुल चौधरी को जानते हैं प्रो कबड्डी में, अभी भी देखोगे ना तो टॉप 5 टॉप 6 में इनका नाम है, 968 रेड पॉइंट्स, 968 रेड पॉइंट्स अभी भी राहुल चौधरी के नाम है प्रो कबड्डी में। तब भी इन पे मौका, देखो जितना मौका मिला वहाँ पे राहुल ने अच्छा नहीं किया पुनेरी पल्टन के लिए, और अनुप कुमार ने उन्हें बाहर कर दिया, और लास्ट के कुछ मैचेस में सब्स्टिट्यूशन में मौका मिला, तब भी वहाँ पे राहुल अच्छा नहीं कर पाए। तो राहुल यहाँ पे अनसोल्ड भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास कमेंट भी आया था कि क्या राहुल को कोई टीम है जो बिड कर सकती है, तो उस पर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि क्या राहुल पर बिड लग सकता है। तो सबसे पहले राहुल के अभी के फॉर्म क्या रहे बात करें, तो यहाँ पे फिलहाल 2 महीने पहले एक कबड्डी टूर्नामेंट हुआ था, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट, जहाँ पे राहुल चौधरी भी उस स्क्वाड के हिस्सा थे, जहाँ पे प्रदीप नरवाल, मोहित चिल्लर, राकेश नरवाल जैसे प्लेयर्स थे, और राहुल ने वहाँ पे बहुत ही अच्छा खेला, ठीक है, तो वहाँ पे अच्छा खेला। लेकिन क्या प्रो कबड्डी सीजन 9 पे इन पे बिड लग सकता है, तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि प्लेयर 2 साल से अच्छा नहीं खेल रहा, जैसे हमने जयदीप का देखा, पीकेएल सीजन 7 में इतना अच्छा खेला जयदीप ने, उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन जयदीप जो कि सीजन 6 में पटना के इतने अच्छे प्लेयर को किसी ने ऑक्शन में नहीं खरीदा सीजन 8 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक था, जसवीर सिंह, कितने प्लेयर्स ऐसे हैं
और राहुल चौधरी ने भी अपना नाम उस लिस्ट में बना लिया। लेकिन अगर कोई टीम की अगर बात करें, जो एक टीम मुझे लगता है जो खड़ी टारगेट कर सकता है, वो राहुल चौधरी की पूर्व टीम तेलुगु टाइटंस है, जिस टीम के लिए राहुल चौधरी ने सीजन 1 से लेकर सीजन 6 तक खेला, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया तेलुगु के लिए, इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग, इसीलिए राहुल का फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा है। अगर वो तामिल, मुझे याद है सीजन 7 का जब पहला मैच था तामिल और तेलुगु का, उस मैच भी बहुत सारे ऐसे फैंस थे जो राहुल चौधरी के लिए बस आए थे, क्योंकि राहुल चौधरी बहुत ही बड़ा नाम है प्रो कबड्डी, अभी भी मैं कहूंगा बहुत बड़ा नाम है, बस एक फॉर्म का, एक मौके का इंतजार है। और अभी एशियन गेम्स में बात करें, एशियन गेम्स में इनका नाम आया था टॉप, आई थिंक टॉप 40 लिस्ट में आया था, जो एशियन गेम्स का होता है टॉप 38 प्लेयर्स में, लेकिन उसके बाद टॉप 24 में राहुल चौधरी को जगह नहीं मिला, तो वो तो मुझे ऑब्वियस लग ही रहा था। लेकिन होप सो राहुल अच्छा करे कुछ डोमेस्टिक मैचेस में, यूपी के लिए खेलते हैं, मेरे हिसाब से अगर वहां अच्छा करे तो शायद प्रो कबड्डी में कुछ विश्वास हो सकता है टीम को कि राहुल पे बिल्ड लग सकता है। तो मेरे हिसाब से बस एक टीम है तेलुगु टाइटंस जो राहुल चौधरी को वापस ले सकता है, क्योंकि देखो लास्ट सीजन भी हमने देखा था राहुल उतना अच्छे फॉर्म में नहीं थे, तब भी तेलुगु ने उन पर बिड किया, और मेरे हिसाब से अभी भी राहुल के पास बहुत कबड्डी है। आई थिंक अभी 29 ईयर्स के हुए, और डेफिनेटली मैं 7-8 सीजन डेफिनेटली राहुल चौधरी खेल सकते हैं, बस एक फॉर्म और एक मौका का इंतजार है। और मेरे हिसाब से अगर तेलुगु इनको खरीद लेता है तो अच्छा टीम हो सकता है, और राहुल के आने से एक एक्सपीरियंस हो सकता है कि राहुल अभी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके वीडियोज आते रहते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं राहुल। और अगर राहुल को मौका मिल गया, ऑक्शन में कोई टीम ने बिड लगाया, जो कि मुझे लगता है मैंने एक वीडियो बना के वहाँ पे कहा था कि राहुल शायद अनसोल्ड जाए, लेकिन जो फर्स्ट राउंड में अगर नहीं बिके तो शायद जो थर्ड राउंड होता है फाइनल राउंड, वहाँ पे कोई टीम राहुल को अपने उनके बेस प्राइस पे खरीद ले, क्योंकि 30 लाख का बेस प्राइस तो होने वाला नहीं है, कैटेगरी बी में आएंगे इस बार राहुल, और 20 लाख के बेस प्राइस में शायद कोई टीम या फिर तेलुगु खरीद ले या फिर लास्ट में कोई टीम खरीद सकती है। तो ये बात है राहुल चौधरी का। अब मेरे हिसाब से खाली एक टीम जो कि तेलुगु टाइटंस है जो राहुल को खरीद सकते हैं प्रो कबड्डी सीजन 9 ऑक्शन। अगर यहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस में राहुल का फॉर्म आया तभी यहाँ पे तेलुगु इन पे बेट करेगी। तो ये बात था राहुल चौधरी का। तो प्रो कबड्डी सीजन 9 में मैंने बस एक टीम तेलुगु का बताया जो राहुल को खरीद सकते हैं। तो चलिए गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।